इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने स्त्री से नहीं पूछा, तुझे क्या चाहिए, या मसीह से किस लिए उससे बातें कर रहा है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। एक व्यक्ति को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। तो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी कुछ खा लो। पर उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में ये प्रश्न किया, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है। मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। यहां वो कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। तो वो वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है।